लाल जोड़े में सोनी सच कर है तैयार अपने महिवाल की होने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ सोनी का महिवाल यानी कि सौरभ पांडे लेकर निकल गया है बारात। जब मैं घोड़ी पे चढ़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई तेरी शादी हो रही है। मेरे अंदर से मेरी आत्मा ने बोला मेरे दिमाग को कि आज तेरी शादी हो रही है, अब सीरियस हो जा। तो शायद थोड़ा सा लाइफ में सीरियस होने का टाइम आ गया, रिस्पॉन्सिबल होने का टाइम आ गया, बैलेंस होने का टाइम आ गया। सोनी दिन नखरे सोने लग दे मैनू। सोनी इज ऑलवेज वेरी सोनी। इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स इसको बोलते हैं कि सोनी तेरे जैसे कोई ना होनी, ये गुरमीत ने निकाला था। एंड सोनी तो किसी और की ना होनी, और किसी और सिर्फ पांडे की होनी, अब ऐसा ही हो गया। और ऐसा ही हो गया। उसके मुंह में मतलब घी शक्कर सरस्वती बैठी हुई थी शायद। एंड यस, तो बस यही कहूँगा। जहाँ ये खूबसूरत सा रिश्ता बनने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनकी शादी में बैठकर वही मस्ती ठिठोली कर रहे हैं जो हर यार अपनी यार की शादी में करता है। उसके बाल मैं काटती हूँ ना, वो मेरा बाल बनाता है। वो देखिए हेयर कट मैंने किया। ये देवीना के जो आप बाल देख रहे हैं ये मैंने बनाया है। तो ये मुझे बैठा देते हो, बोलते बाल बनाओ, करना पड़ता है यार। मैं कैसे काटती हूँ उसके बाल, ऐसे ऐसे करके साइड का छील दिया। छील दिया ये साइड का मैंने छील दिया। की बोल छे तुम्ही, और ऊपर का हम आके भाल लागे ना। इस मस्ती ठिठोली की शुरुआत हुई हेयर स्टाइल से, और ये मस्ती ठिठोली जा पहुंची बंगाल, जहां देबीना के साथ साथ तारक मेहता की बबीता ने भी गुरमीत को नौची बॉय बताया है। बिना एक्चुअली एक कहानी बता दो, कल देबीना एबीपी बंगला जो न्यूज चैनल होता है ना वो देख रही थी, उसमें ना एक मर्डर हो गया था बेचारे का किसी का। एक मर्डर मैं बताता हूँ, देबीना देख रही थी बंगाली एबीपी एबीपी बंगला। अभी अभी सच्चाई निकल जानी चाहिए। एबीपी बंगला में देबीना एबीपी बंगला में मर्डर हो गया था किसी कैलकटा में, तो वहाँ पे वो चला, देबीना देख रही थी। तो हमारे घर में जो हमारे घर में एक बंदा काम करता है, कुक है, वो अचानक भाग के आया, उसने देखा मर्डर हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ, वो देबीना ने बोला अरे वो मर्डर हो गया अंधेरी में। तो उसने बोला अंधेरी में, तो बोला नहीं अंधेरी में, तो अंधेरे में मर्डर हो गया, तो उसको अंधेरी बना दिया देबीना ने। गाना नहीं सुना, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, वहाँ पे अगर अंधेरी हो सकता था तो यहाँ पे अंधेरी में प्रॉब्लम क्या है। बाय द वे लेकिन अंधेरी कैसे बोला यार, पूरी न्यूज कैसे बदल जाती है, देखा आप लोगों ने। जहाँ इस मस्ती का आलम खत्म हुआ, वहीं इन दोस्तों के साथ मिलकर कई और दोस्तों ने भी सौरभ को शादी की शुभकामनाएं दी। देखिए बस हम खुद आ गए, आई थिंक वो बहुत बड़ी तैयारी होती है, बिकॉज अगर आप रोज़ शूट कर रहे होते हैं बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। एंड आई थिंक खैर शादी थी पांडे जी की तो आना ही था, बट वही है कि तैयारी तो आई थिंक नहीं, बस जो मिला पहन के आ गए। अब जो मिला ऐसा तो नहीं है, जो मिला वो तो नहीं पहने। हाँ तैयारी तो की है, बट ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ द वे जगह की है। वॉज लाइक जैसे इस्कॉन में है तो इट्स अ वेरी होली प्लेस, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर देम टू गेट मैरिड ओवर हियर। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हरे कृष्णा। बहुत खुश हूँ यार, दोस्त की शादी है सौरभ सोनी की, हमारे यार की शादी है। सो बस सब आए हैं, सारे दोस्त यार आए हैं, बहुत खुश हैं, मज़े कर रहे हैं। सो वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम, गॉड ब्लेस देम बोथ, और हमेशा खुश रहें यही दुआ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं सौरभ एक बहुत ही नॉटी 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 लड़का है, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी शादी हो गई है, क्योंकि वो इतना नॉटी है कि वो मतलब एक जो है ना इस्कॉन टेम्पल में शादी हुई तो कृष्ण कन्हैया है, गोपियों को घुमाते रहता है। तो हम लोग बहुत खुश है कि उसकी शादी हो गई फाइनली, और आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर। बिल्कुल सही कहा विकास ने, जुहू के इस्कॉन मंदिर में एकदम कन्हैया की तरह बड़ी सादगी से चेहरे पर मुस्कान लिए सौरभ ने अपनी सोनी को अपना बना लिया। दोस्त अब मेरी जीवन संगनी है। आई फील द सेम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम मैरिंग माय बेस्ट फ्रेंड, एंड या इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और कन्हैया के आशीर्वाद से ही इस नए जीवन की शुरुआत की, और इस नई शुरुआत के लिए सास बहु और साजिश इन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है।
मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।